नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है प्रथम हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में आज की इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करेंगे वह प्रकरण है मूल्यांकन की परिभाषाएं। मूल्यांकन के अर्थ को हमने इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में समझने का प्रयास हमने किया था, लेकिन साथियों इस मूल्यांकन को लेकर विभिन्न विद्वानों ने और विभिन्न शिक्षाविदों ने इस मूल्यांकन के अनुसार कौन कौन सी अपनी परिभाषाओं को दिया है या उनके अपने खुद के मूल्यांकन को लेकर किस प्रकार के विचार उन्होंने परिभाषित किए हैं, तो इसको लेकर हम आज के इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। सबसे पहली जो परिभाषा है वह है जेरो मिलक के शब्दों में। जेरो मिलक एक पाश्चात्य विद्वान है जिनके मूल्यांकन को लेकर परिभाषा देते हैं कि मूल्यांकन वह प्रणाली है वह पद्धति है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और उद्देश्यों ध्येयों और लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। मूल्यांकन एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, या यूं कहें हम कि मूल्यांकन एक प्रणाली है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि पूर्व में जो निर्धारित उद्देश्य किए गए हमने जो पूर्व में उद्देश्य निर्धारित किया था या जिन ध्येयों को हमने वहाँ पर रखा था या जिन लक्ष्यों को हमने वहाँ पर एक निर्धारित किया था, तो उनकी संप्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं उनकी लक्ष्यों की प्राप्ति हमें किस मात्रात्मक रूप में कितनी मात्रा तक हमें प्राप्ति हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जो प्राप्ति के लिए हम परीक्षण करते हैं वह मूल्यांकन है। अगली परिभाषा जो है वह परिभाषा दी है वेस्ले और कार्टराइट द्वारा। यहाँ पर वेस्ले और कार्टराइट भी पाश्चात्य विद्वान हैं और इनके अनुसार परिभाषा दी गई है मूल्यांकन को लेकर वो इस प्रकार से है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हमें हो पाई है, बालक के व्यवहार में कहाँ तक अंतर आया है या कहाँ तक परिवर्तन आया है बालक व्यवहार में, और शिक्षक ने इस दिशा में क्या कितना सहयोग दिया है। मतलब ये मान लीजिए कि इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित अंतराल में हमने शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हमने कहाँ तक हमने उपलब्धि प्राप्त की है और कितनी मात्रा में हमने प्राप्त की है, और बालक के इस उद्देश्य हमने उपलब्धि प्राप्त की है तो बालक के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन मतलब बालक ने क्या सीखा है और शिक्षक ने इस दिशा में अपने क्या प्रयास किए हैं, शिक्षक ने के प्रयास इसमें कौन कौन से रहे हैं या किस प्रकार के रहे हैं या कितने प्रभावकारी रहे हैं, तो इन बातों का भी इसके अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। अगला जो बिंदु है तारगर्शन और एडम्स, ये भी पाश्चात्य विद्वान है। इनके अनुसार मूल्यांकन करना
किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या तो किसी वस्तु या किसी प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन या शिक्षण में जो मूल्यांकन है, शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने के अनुभव के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करना है कि शिक्षण में इसका इस मूल्यांकन शिक्षण मूल्यांकन का शिक्षण की प्रक्रिया में इसका क्या अभिप्राय है, इसका औचित्य क्या है, इसको निर्धारित करना भी एक मूल्यांकन है। और साथियों इसके बाद अंतिम जो परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है वह परिभाषा दी है माइकलिस नाम के एक विद्वान हैं जिन्होंने दिए हैं, और उनके शब्दों में ये बात लिखी गई है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्रक्रिया की सीमा मतलब किस सीमा तक हमें प्राप्त हुई है उसका निर्णय करने का मूल्यांकन करता है। तो साथियों आज हमने चार महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को पढ़ा और समझा कि मूल्यांकन प्रक्रिया वास्तव में है क्या। तो कुल मिलाकर इस बात का सार निकलता है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया जो है हमारे समक्ष वह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक लचीली प्रक्रिया है, और एक मूल्यांकन एक साध्य नहीं बल्कि एक साधन है। और मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व हम किसी शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित करते हैं कि हमें इस इकाई इस पाठ्यक्रम में इस कक्षा के लिए ये पाठ्यक्रम हमने निर्धारित किया है, इस पाठ्यक्रम में हमने ये पुस्तकें निर्धारित की हैं, और इस पाठ्यक्रम की पुस्तकों में हमने इतनी यूनिट या इतनी इकाइयों को निर्धारित किया है, और इन इकाइयों में हमने ये बिंदुवार हमें विषय वस्तु दी गई है और उस विषय वस्तु को हम पढ़ाते हैं। तो उस पूरा पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद में हमने बालकों को सिखाया है, लेकिन बालकों ने कहाँ तक उसे ग्रहण किया है इस बात के उद्देश्य के लिए हमने एक मूल्यांकन जैसे परीक्षण को हम ले आते हैं, तो वही शैक्षिक मूल्यांकन कहलाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।